हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के क्रिएशन। होप आप सब अच्छे होंगे। अब सर्दियों का सीजन आ रहा है तो इसमें हमें कुछ ना कुछ हेल्दी चीज बनाने की बहुत ही जरूरत पड़ती है। कुछ हेल्दी हो तो बहुत ही अच्छा है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी, और ये ड्राई फ्रूट से लड्डू बनने वाले, ये लड्डू बना रहे हैं। और ये इनमें कोई हम शुगर नहीं डाल रहे हैं, और ना ऑयल कोई यूज कर रहे हैं, और ही ना कोई आटा यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये ड्राई फ्रूट से ये जबरदस्त हमारे लड्डू बनने वाले हैं। ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम बादाम लिए हैं, 100 ग्राम काजू लिए हैं, 100 ग्राम अखरोट लिए हैं, और 100 ग्राम जितने ये चार मगज सीड जिसे कहते हैं, इस तरह के होते हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, और 50 ग्राम जितने पीनट लिए हैं, और 50 ग्राम जितने पिस्ता लिया है, और 100 ग्राम जितना कोकोनट पाउडर लिया है, और 200 ग्राम जितनी खजूर या डेट भी कहते हैं इसे, और आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है। और इन सब में कुछ न कुछ अपनी खासियत है, और इन सब में हमें पता है कि ये ताकतवर, बहुत ही अच्छे, हेल्दी हैं। पर इसमें जैसे ये बादाम है, बादाम में बहुत ही विटामिन ई होता है, और इसमें बहुत ही दिमाग के लिए भी, हम जैसे कहते हैं याददाश्त अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं बच्चों को, बड़ों सबको कहते हैं बादाम कुछ खाया करो, ये बादाम में इस तरह से ये होता है, विटामिन ई होता है। और जैसे ये काजू है, काजू में बहुत सारा फाइबर है, ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और जैसे ये वॉलनट है, वॉलनट में ओमेगा 3 बहुत ही भरा हुआ होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत सा कंट्रोल करता है। और ये जो पिस्ताशू है, इसमें भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, ये भी हमारे रोजमर्रा रूटीन के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे ये चार मगज हैं, इसमें बहुत सारा भरपूर विटामिन B6 होता है। और जैसे ये पीनट है, पीनट में भी हमारे प्रोटीन वगैरह होता है। ये बहुत ही हेल्दी, हमारे सब फ्रूट हेल्दी हैं। और भी अगर आप कुछ चाहो तो अपना कुछ ऐड कर सकते हो इसमें। ये हमारा जैसे कोकोनट पाउडर है, इसमें बहुत सारा आयरन है, ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे ये खजूर है, खजूर हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ही अच्छी है। और इसके अलावा ये तो टेस्ट और खुशबू के लिए इलायची हम डाल रहे हैं। तो आइए अब हम ये जो हमने जो जितने ड्राई फ्रूट लिए हैं, इन सबको हमें रोस्ट करना है। तो मैंने एक फ्राई पैन लिया है और गैस को मीडियम आंच पे खोल दिया है। तो सबसे पहले हम करेंगे ये जो अखरोट हैं और ये काजू और ये बादाम, पहले इनको रोस्ट करेंगे। हल्का सा रोस्ट करना है, 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच पे करेंगे। तो ये इन तीन चीज़ों को हम साथ कर लेते हैं। ये इनमें हल्का हल्का कलर भी आ गया है और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो हम इनको एक प्लेट में निकाल देते हैं इसी सेम फ्राई पैन में। ये जो चार मगज है इसको डालेंगे, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे, इसको 30 सेकेंड और 40 सेकेंड के अंदर अंदर हमें इसको निकालना, ये जल्दी हो जाते हैं। इसको भी वही सेम तरीके से हम चलाते रहेंगे, फटाफट हमें इसको निकाल देना है। ये चार मगज अच्छे से, इनमें कलर भी आ गया है, तो ये भी हम उसी सेम प्लेट में निकाल देंगे सब फ्रूट के साथ। अब हम इसमें डालेंगे पीनट, पीनट को 1 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे, वही सेम हल्का हल्का करेंगे, मीडियम आंच पे बिल्कुल हमें करना है। ये हमारे पीनट भी रोस्ट हो चुके हैं, ड्राई रोस्ट हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, ये भी निकाल देते हैं एक प्लेट में। अब ये हमारे जो पिस्ताशू हैं इनको भी कर देते हैं, इनको भी 2 मिनट के अंदर अंदर हमें निकालना है, इनको कंटिन्यूस चलाना, ये जल जाते हैं जल्दी। तो इसको बिल्कुल आंच को बिल्कुल मैंने हल्का कर दिया है। ये हमारे 2 मिनट हो गए, ये पिस्ताशू भी बहुत ही अच्छा सा इसमें भी कलर आ गया, इनको भी सेम प्लेट में निकाल देते हैं सब ड्राई फ्रूट को साथ। अब ये कोकोनट पाउडर है, इसको भी हमें ड्राई रोस्ट करना है, तो बिल्कुल गैस को हल्की आंच पे रखना है और कंटिन्यूस चलाना है। इसमें हल्का सा पिंक कलर जैसा आ जाएगा तब हम इसको निकाल देंगे 2 to 3 मिनट तक। बस इसका भी बिल्कुल कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तो गैस को बंद कर देंगे, इसको निकाल देंगे। ये हमारे ड्राई फ्रूट और कोकोनट ये सब रोस्ट हो चुके हैं अच्छे से। अब हम इनको
इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा करना है। ग्राइंडर में पीसते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मिक्सी थोड़ी ज़्यादा चल जाती है तो पाउडर बहुत बन जाता है, तो हमें पाउडर नहीं बनाना है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जैसे एक पेड़ ये प्लास्टिक बैग लेके इसमें थोड़े थोड़े फ्रूट डालेंगे और इनको इस प्लास्टिक बैग को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये एक बेलन लेके, बेलन से लेके इस तरह से करेंगे तो ये दरदरा बहुत दरदरे से बहुत अच्छे से पीस हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पाउडर होगा और थोड़े थोड़े पीस रहेंगे। या देख सकते हो देखो ये स्टार्ट हो गए हैं, इसको और थोड़े से इस तरह से हम मारते जाएंगे। इसमें जितने अच्छे पीस, थोड़े थोड़े बड़े पीस रहेंगे वो ही हमें उसमें लड्डू में, लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे, इसलिए हम इसका पूरा पाउडर नहीं कर रहे हैं। ये हमारे तमाम फ्रूट्स को हमने इस तरह से पीस, थोड़े थोड़े पीस भी रखे हैं, आप देख सकते हो थोड़ा पाउडर भी हुआ है, थोड़े सारे पीस भी रखे हैं। ये पूरा हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब आइए हम ये जो हमने खजूर ली थी, ये खजूर को एक मिक्सी जार लेंगे और इसको खजूर को, इसके मैंने सीड अंदर से सब निकाल दिए, बाकी ये पूरा ये जो खजूर का है ये इसमें डालेंगे ग्राइंडर में और इसके साथ में डालूंगी थोड़ा, पहले थोड़ा पानी डालूंगी, इसको अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बनाना है हमारे, तो इसको कवर करके ग्राइंडर में चलाएंगे। ये हमारा थोड़ा सा खजूर पिसना स्टार्ट हो गया है, अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाना है। तकरीबन हाफ ग्लास इतना पानी मैंने इसमें यूज़ किया है। एक बार इसको चलाएंगे और स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। ये हमारा खजूर का स्मूथ पेस्ट रेडी हो चुका है, तकरीबन इसमें हाफ ग्लास इतना पानी यूज़ हो गया है, हमें बिल्कुल स्मूथ बनाना था। ये रेडी है, अभी आइए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ये जो हमने खजूर का पेस्ट बनाया है इसको हमें थोड़ी देर के लिए इसको पकाना है अच्छे से, जैसे चाशनी वगैरह तो नहीं बनानी है, मगर इसको जितना इसमें पानी यूज़ हुआ है तो इसको थोड़ा सा चलाएंगे तो इसकी लाइफ टाइम भी बहुत रहेगी और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और गैस को मीडियम आंच पे खोल दिया है। अब ये डालेंगे इसके साथ, अभी ये बहुत ही लिक्विड ही है, इसको हम कंटिन्यूस चलाते जाएंगे मीडियम आंच पर। इसका जब पानी ख़त्म होगा तो ये खुद ब खुद एक डो की तरह हो जाएगा। आप इतनी देर से सोच रहे हैं कि लड्डू बना रहे हैं, इसमें कोई मिठास नहीं डाल रहे हैं, तो ये जो हम खजूर का जो हमने पेस्ट बनाया है ये जो कर रहे हैं, खजूर ये नेचुरल स्वीटनेस का काम करेगी और इसमें ये शुगर से अच्छा है कि ये बहुत ही हेल्दी रहेगा। ये देखिए इसका पूरा खजूर में जो इतना हमने पानी यूज़ किया था ये पूरा ख़त्म हो चुका है। इसको ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना है, नहीं तो फिर लड्डू बहुत हार्ड बन जाएंगे, तो इसलिए इस तरह का हमें रखना है और गैस को हम बंद कर देंगे। ये हमारे खजूर का ये जो पेस्ट रेडी हो चुका है, देखिए इस तरह से जब ये नीचे से आराम से निकल रहा है तो इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। अब हम इसमें सारे ये ऐड करेंगे चीज़ें, ये जो ड्राई फ्रूट है ये पूरा इसके साथ इसके अंदर डालेंगे और इसके साथ डालेंगे ये कोकोनट और इसमें डालेंगे ये इलायची पाउडर, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप थोड़ा मीठा कम खाते हो तो इसमें ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई इतना पूरा परफेक्ट इतना डालना है मीठा या क्या, इसमें थोड़े से और भी कोकोनट भी डाल सकते हो और कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें मतलब ऐड कर सकते हो। ये अच्छे से मिक्स करेंगे, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको एक प्लेट में निकालेंगे, अब इनको अच्छे से हम मिक्स एक बार कर देंगे और अभी इसको लड्डू की शेप देंगे। लड्डू की छोटी बड़ी साइज़ आप पे डिपेंड करती है, पर मोस्टली थोड़े छोटे होंगे, ये हेल्दी हैं, बहुत हैवी हैं तो बड़े लड्डू खाए नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम इस तरह से थोड़ा सा लेके फिर लड्डू की शेप देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई फ्रूट से भरे हुए ये लड्डू हमारे रेडी हो रहे हैं। इस तरह से हम पूरे लड्डू बना लेंगे, थोड़ा सा हाथों में लेकर इस तरह से प्रेस करेंगे। ये बिल्कुल इजी से, देखो ये इजी से लड्डू बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप भी आ रही है और बिल्कुल ये बिल्कुल हार्ड नहीं होंगे, इसलिए कि इसमें कोई चाशनी वाशनी नहीं है तो ये हार्ड भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे।
ये हमारे हेल्दी डिलीशियस लड्डू रेडी हो चुके हैं ड्राई फ्रूट के। अगर आप दिन में एक रोजाना खाते हो तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होगा। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और जरूर सबके साथ शेयर करना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।